चित्रकूट विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी ने जहां सीट पर पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस की ओर से जगदलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष राजमन बेजाम को टिकट मिली है। चित्रकूट विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर कांग्रेस अपनी सीट को वापस हथिया लेती है तो पूरा बस्तर संभाग भाजपा मुक्त हो जाएगा। इस कारण कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। वहीं भाजपा बस्तर संभाग में एक सीट बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। इस लिहाज से चित्रकूट उपचुनाव कांटे की टक्कर के साथ ही बेहद दिलचस्प होने वाला है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, दंतेवाड़ा की जीत के बाद हम देखें तो कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साह में देखी जा सकती है। देखिए बिल्कुल, दंतेवाड़ा में जिस तरीके से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और बीजेपी के जो हिस्से जो सीटें थी बस्तर की इकलौती सीट, उसे भी कांग्रेस ने अपने पाले में ले लिया है। कांग्रेस को बड़ी जीत दंतेवाड़ा से मिली थी, लेकिन अब चित्रकूट को लेकर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी ताकत लगाती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान को भी यहाँ पर जिक्र करें दंतेवाड़ा चुनाव के नतीजों के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि दंतेवाड़ा को कांग्रेस ने भले ही जीत लिया हो लेकिन चित्रकूट अब बीजेपी जीतेगी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की शाख का सवाल अभी चित्रकूट सीट बन चुकी है और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को चित्रकूट बाय इलेक्शन के लिए झोंक दिया है। आज बीजेपी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं लच्छूराम कश्यप, ये नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच रहे हैं, तो उनके साथ तमाम जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं जो राज्य संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी मौजूदगी इस नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान होगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, विक्रम उसेंडी प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हो, या पूर्ववत बीजेपी सरकार के बड़े चेहरे जितने रहे हैं उनकी बात करें, ये तमाम लोग जो है वो चित्रकूट कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं लच्छूराम कश्यप के नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे और एक संदेश देने की कोशिश इसके जरिए करने की कोशिश बीजेपी की है कि पॉलिटिकली जो संगठनात्मक ढांचा है उसे मोबिलाइज इस इलेक्शन के नजरिए से बीजेपी कर सके, और यही एक बड़ा मकसद भी बीजेपी का है, बड़ी कोशिश भी है। और जिस तरीके से बीजेपी ने चित्रकूट को लेकर पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक की, बैठक में यह तय किया कि इसे किसी भी सूरत में, अच्छा जी, यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे दावे तो किए गए थे बीजेपी की तरफ से भी, पर दंतेवाड़ा में भी हम देखें तो वहां पर भी नहीं जीत पाई वे कांग्रेस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा की हम देखें तो क्या रणनीति हो सकती है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार यहाँ पर आएगी और लोगों को लुभाएगी? देखिए महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाया। दरअसल चित्रकूट विधानसभा सीट की बात करें तो 2013 का जिक्र करें या 2018 के चुनाव का जिक्र करें, दोनों बार कांग्रेस की उम्मीदवार दीपक बैज ने सीट से जीत दर्ज की है। जरूर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद ये सीट दीपक बैज ने छोड़ दी थी, दीपक बैज सांसद के तौर पर निर्वाचित हो गए थे और यहाँ पर बाय इलेक्शन अब हो रहा है। तो ऐसे में 2013 के नतीजों को दोहराने की कोशिश बीजेपी करेगी, 2013 और 2018 के नतीजों को बरकरार रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जो 68 MLA 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस के हिस्से आए थे, एक सीट और कांग्रेस की झोली में जा चुका है, 69 सीट कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में चित्रकूट सीट को लेकर कांग्रेस 70 के आंकड़े को छूने की। पर आशीष जी, आप वहां पर गए होंगे, लोगों से मिले होंगे, वहां पर उनका क्या फीडबैक मिला, उनका क्या कुछ कहना था? देखिए स्थानीय स्तर पर यदि मुद्दों को लेकर यदि यहाँ पर जिक्र किया जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार के आने के बाद ट्राइबल इश्यूज को लेकर लगातार जिस तरीके से काम किया है, चाहे लोंडीगुड़ा में जमीन वापसी का मुद्दा हो या तेंदुपत्ता बोनस का जिक्र हो, अंदरूनी इलाकों में बस्तर के गुड़ चना वितरण का जिक्र हो, ऐसे तमाम फैक्टर जो है वो कांग्रेस को मजबूत करते नजर आते हैं। और 2013-2018 में कांग्रेस ने जो चार चित्रकूट सीट को लेकर अपनी बनाई है, जो गहरी पैठ स्थानीय स्तर पर ग्रासरूट लेवल तक जो बनाई है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती नजर आती है। और दंतेवाड़ा के नतीजों के बाद बीजेपी के भीतर भी जरूर निराशा का भाव है और कार्यकर्ता जो है वो मोबिलाइज नहीं है, ये एक निगेटिव फैक्टर बीजेपी के साथ जुड़ा है। तो ऐसे में प्राइमोफेसी जिस तरीके से अभी फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा आकलन करना कि नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसा नजर आता है कि कांग्रेस इस चुनाव में मजबूत होती दिखती है। वाकई कड़ी टक्कर तो यहाँ पर है, देखने वाली बात होगी कि फिर से सत्ता कांग्रेस पार्टी लेकर जाती है या बीजेपी आएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बड़ी खबर ग्वालियर